नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 12 जुलाई 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भजनलाल सरकार दो बच्चों का कानून ला सकती है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि एक समुदाय की जनसंख्या के कारण अलगाववाद बढ़ता है। जहां जहां एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है वहां समस्याएं बढ़ती है, अलगाववाद बढ़ता है। भारत में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी यही हालात हैं। सरकार जल्द ही दो बच्चों का कानून लेकर आएगी। मुख्य सचेतक ने कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने से ही काम नहीं चलेगा, आप दुनिया के सारे देशों के बारे में जानकारी लीजिए। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे विकसित देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जहां एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है वहां समस्याएं क्यों पैदा होती है। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले ही वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि डिपॉजिट के लिए ब्याज बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस साल फरवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.25% करने का ऐलान किया था और इससे राजस्थान सहित देश भर के करीब 7 करोड़ सदस्यों को बड़ा तोहफा मिला है। और वहीं ईपीएफओ ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। यानी वह 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर करते हुए सुनवाई होने तक उन्हें जमानत दे दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में उमस और गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मॉनसून ने एक बार फिर राहत दिलाई है। गुरुवार को शाम से राजधानी जयपुर में तेज हवा के झोंके संग मेघ शहर पर मेहरबान हुए। देर रात तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर जारी रहा और वहीं अगले 2 दिन प्रदेश में बारिश की गतिविधियां धीमी रहने और 16 जुलाई से फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार हाईवे पर ट्रैफिक कैसे रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखे लेकिन उसको नियंत्रित भी करे। आखिर राज्य सरकार बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है। हरियाणा सरकार से इस मामले पर हलफनामा दायर करने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान भी देश के नागरिक हैं, उन्हें भी भोजन और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए। वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। पड़ताल फर्जी डिग्री मामले को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल भजनलाल सरकार ने पिछले 5 महीनों में हुई भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार पिछले 5 सालों में हुई भर्तियों में प्रमाण पत्रों की जाँच कराएगी। राज्य में फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी डिग्री से नौकरी पाने का रैकेट उजागर हुआ है, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने जांच का फैसला लिया है। इस जांच में 5 सालों में नौकरी पाने वाले करीब 5 लाख आवेदकों के आवेदनों की जांच फिर से शुरू की जाएगी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संविधान पार्क का आज राजस्थान की राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोकार्पण किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संविधान की जानकारी सभी को होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने सभी विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनवाए और इससे पहले संविधान की मूल प्रति के आधार पर उन्होंने सबसे पहले राजभवन में संविधान पार्क बनवाया, जिसे देखने के लिए अच्छी संख्या में लोग आते हैं। जयपुर में नशे की लत के कारण एक युवक और युवती को परिवार ने घर से निकाल दिया और इसके बाद अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए दोनों एक अन्य साथी के साथ लूट चोरी की वारदातें करने लगे। युवक बाइक चलाता था और युवती महिलाओं की चैन तोड़ती थी। प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने बुजुर्ग महिलाओं के साथ लूट करने की बात स्वीकार की। दोनों ने बताया कि वे सोने मकानों में भी चोरी करते हैं। अरुण निवासी कोमल मोरिया को दौसा से गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के सोमलपुरा स्थित बकरा मंडी के एक व्यापारी से भेड़ बकरों की खरीद फरोख्त में करीब 4.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के चार व्यापारी ने पीड़ित उधार माल खरीदकर 4,62,98,348 रुपए की चपत लगा दी। पुलिस के अनुसार माकड़वाली रोड निवासी जय कुमार दायमा ने रिपोर्ट दी कि उसका बकरा मंडी में आड़त का काम है और वह पिता के साथ सोमलपुर में बकरी मंडी में बकरी और भेड़े बेचने का व्यापार करता है। हिंदू धर्म के पवित्र मास सावन की शुरुआत 22 जुलाई से होगी और ये मास 19 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन महीना सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से शुरू हुआ और साथ ही सोमवार से सावन महीना शुरू होगा और सोमवार पर ही समाप्त होगा। इस बार सावन में 5 सोमवार रहेंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्रों में प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य दरवाजे पर चढ़कर बाहर जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ दिया। शुक्रवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता शुभम रिवाड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने पैदल मार्च निकालकर मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम करने के लिए बाड़मेर पुलिस ने शुक्रवार को प्रमुख बाजार सहित मुख्य मार्गों पर आरोपियों की पैदल परेड निकाली। इस दौरान मुख्य आरोपी समेत 3 बदमाशों को हाथों हाथ हथकड़ी लगाई दी। सुबह 11 से 12:30 बजे तक गांधी चौक से कलेक्ट्रेट तक करीब 2 किलोमीटर तक यह परेड निकाली गई। अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा शुक्रवार को अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की गई और सरकारी स्कूल की जमीन पर दुकानों के साथ ही अन्य निर्माण कार्य करवाए जा रहे थे। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाप्ता भी तैनात रहा। शुक्रवार को एडीए की टीम काकरंदा भूणावाय क्षेत्र में पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। पटवारी ने बताया कि एडीएम को काकरदा भूणावाय में सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने की सूचना पूर्व में मिली थी। जयपुर में साइबर ठगों ने एक युवक के खाते से 89,000 रुपए निकाल लिए। मैसेज मिलने पर पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन को फोन कर जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आदित्य विहार पर निवासी प्रहलाद राय ने यह मामला दर्ज कराया है। उसके एचडीएफ बैंक में बचत खाता है और उसके खाते से सबसे पहले 50,000 रुपए की राशि निकाली गई। पीड़ित अपने खाते से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता रहता था और किसी ने उसके मोबाइल को हैक कर राशि निकाल ली। इस पर पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। कांग्रेस धरातल पर कोई काम नहीं करती। समय अभाव के चलते केंद्र से पहले आया राज्य का बजट। बजट को लेकर आज सीकर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के जानू और पूर्व सांसद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल प्रोजेक्ट वाली सरकार है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के जानू ने कहा कि भले ही यह बजट घाटे का हो लेकिन कोई भी नया कर इसमें नहीं लगाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।